Silver atom has completely filled d orbital 4d10 in its ground state. How can you say that it is a transition element? जो सिल्वर है उसका क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो 4d10 आ जा रहा है, तो क्या वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? कैसे होगा जब फुल है, है ना? टोटल अगर यहाँ पे फुल हो जा रहा है d ऑर्बिटल, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर देख लेते हैं. सिल्वर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड 4d ऑर्बिटल 4d10 5s1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट. नाउ सिल्वर डिस्प्ले टू ऑक्सीडेशन स्टेट. या तो वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है या वो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. अगर वो +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो 5s1 यानी लास्ट में s1 आ रहा है, तो s में से, s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. और अगर +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है सिल्वर, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा डी ऑर्बिटल से भी. तो द डी ऑर्बिटल नाउ बिकम्स इनकम्प्लीट, दैट इज 4d9, हेंस इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट. देखिए, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होना चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए, और ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुल हो जाएगा. s1 एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और d10 में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, d9 बन जाएगा वो डी ऑर्बिटल में से. तो 4d9 जो कि एक इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल को दिखाता है, इसीलिए जो सिल्वर है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो.